नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट एरो का रीडर, पामिस्टन रेकी हीलर। आप मेरे को सुन रहे हैं साप्ताहिक राशिफल में, जो कि है 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। तो बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया। कुछ ना कुछ एस राशि वालों के, यानी कि मेष राशि वालों के लिए, कुछ इस सप्ताह करियर में उनको खुशखबरी मिल सकती है, कुछ वो नया काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपने कोई इंटरव्यू दिया हुआ है, उस इंटरव्यू का रिजल्ट आपके फेवर में आ सकता है। आपने किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, वो मिल सकता है। प्लस आप कुछ अपना काम नया शुरू करना चाह रहे थे, काफ़ी टाइम से रुक रहा था, वो इस सप्ताह शुरू हो सकता है। कुल मिला के कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में इस सप्ताह होने की पूरा उम्मीद है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा कार्ड है। आपके कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, पुराने रिलेशंस और ज़्यादा प्रगाढ़ और ज़्यादा मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं, और लोग आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, कि क्योंकि एक आपका व्यवहार है, आप सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखते हो, कभी किसी को कुछ उल्टा सीधा नहीं बोलते, किसी को कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करते हो, तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आपकी पॉजिटिव एनर्जी के कारण लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो इस सप्ताह और भी ज़्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे, ऐसी पूरी संभावना है। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ दुविधा में भी रह सकते हैं, कि साहब थोड़ी सी पीछे आपकी हो सकता है, कि सेहत बहुत अच्छी ना रहो, तो अब आपको सजेस्ट किया गया आपके डॉक्टर के द्वारा कि भैया तुम मतलब वॉकिंग करो। आपके फ्रेंड्स कहने लगे कि तुम जिम ज्वाइन करो, है ना। हो सकता है आपके स्पाउस ने कहा कि नहीं, ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, तुम घर पर ही बैठ के योगा करो। तो कुछ भी चीज़ हो सकती है, इस दुविधा में आप रह सकते हैं, पर कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यस, ये दुविधा ज़रूर आ सकती है, पर आपको अपना आंकलन खुद करना होगा कि आप कितने पानी में, आप कितना टाइम दे सकते हैं, कितने सक्षम हैं। एकदम से जिम जाके आपको बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी है, आपको मेन स्वस्थ रहना है। उसके लिए अल्टरनेट जो मेथड है वो यूज़ करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं क्वीन ऑफ सोल्स, द स्टार एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो थोड़ा सा वर्क प्लेस पे अगर आपके महिला बॉस है, आपकी बॉस जो है फीमेल है, तो उसके साथ वो थोड़ा सा आपके उनके साथ थोड़ी सी हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए। और अगर आप खुद किसी सीनियर पोस्ट पर हैं और आप फीमेल हैं, तो आपको थोड़ा सा इस सप्ताह अपने व्यवहार में नरमी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते दिखाई दे रहे हैं। तो इन ईदर केस, ईदर यू योर सेल्फ इज़ अ बॉस और आपकी कोई फीमेल बॉस है, थोड़ा सा एग्रेसिवनेस आता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण सबॉर्डिनेट्स के साथ, स्टाफ के साथ थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। आपको अपने व्यवहार में थोड़ी सी नरमी लाने की ज़रूरत है। प्लस आप ये मत सोचो कि जैसा आप चाह रहे हो पूरा स्टाफ वैसा करने लग जाएगा। डोंट टेक योर स्टाफ फॉर ग्रांटेड, ठीक है। आप उनके साथ घुल मिल के रहिए, उनके साथ प्यार से रहिए। आप उनके बड़े हैं, पोस्ट में सीनियर हैं, उनके ऊपर अपने एक जैसे बड़ा हाथ होता है वैसे रखिए, उनकी ज़रूरतों को देखिए, ठीक है। इट मे साउंड स्ट्रेंज फॉर यू, पर यस, दिस इज द रिक्वायरमेंट, और इसी तरीके से आप लोगों को अपना बना सकते हैं। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का। आपके भी इस सप्ताह कुछ नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, कुछ नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं। प्रोफेशनल बात करें या पर्सनल बात करें, आपके नए रिलेशन बन रहे हैं। अब जिस तरीके से अगर आपका कोई नया काम शुरू कर रहा है, कहीं पर आपका ट्रांसफ़र हो गया, कहीं पर प्रमोशन हो गया, तो प्रोफेशनल रिलेशन बनते हैं। उसके अलावा भी आपका अगर डिपार्टमेंट चेंज हो जाता है, तब भी आपके नए रिलेशन बनते हैं। प्लस जो आपका एक व्यवहार है, ठीक है, आप अच्छा व्यवहार है, आपके साथ लोग जुड़ना चाह रहे हैं, और इस सप्ताह काफ़ी और लोग आपसे जुड़ सकते हैं। आप अगर पॉलिटिकल फील्ड में हैं, तो आपका इस सप्ताह कुछ कैंपेन भी चला सकते हैं, जिससे कि आपको रीच आपकी बढ़ेगी, आपको सपोर्टर्स आपके काफ़ी बढ़ेंगे। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए,
हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है। बस थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है कि आपका इस सप्ताह ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है, आप ट्रैवल कर सकते हो तो ट्रैवल करने में अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, खाने पीने का ध्यान रखिएगा, सोने का ध्यान रखिएगा, उठने का ध्यान रखिएगा, प्लस अगर हो सके तो एक्सरसाइज और योगा जरूर करिएगा। तो ये था टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ब्लू। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, ब्लू खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जैमना यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ वेंड्स एंड द डेविल। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा इस सप्ताह आपको सजग रहने की ज़रूरत है, विजिलेंट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई ना कोई वर्क प्लेस में आपको चीट कर सकता है, धोखा दे सकता है, मॉनेटरी लॉस भी पहुंचा सकता है, आपका रेपुटेशनल लॉस भी हो सकता है, और ये दूसरे के कारण होगा। मीन्स आपका कोई ऐसा काम नहीं होगा जिसके कारण इनमें से कोई भी चीज़ हो, पर कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल होगा, कोई ना कोई ऐसा काम कर सकता है आपके खिलाफ जिससे आपको इस तरीके से किसी भी एडवर्स स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। आपको क्या करना है कि अननेसेसरी किसी पे विश्वास मत करिए, अपने पासवर्ड किसी को शेयर मत करिए, अगर आप कैश हैंडल करते हैं तो कैश किसी को अननेसेसरी उसको साथ शेयर मत करो, अपने जो सीक्रेसी है वो किसी को रिवील मत करो, तो जिससे कि एक धोखा देने की स्थिति है उसको आप अवॉइड कर सकते हो। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए रिलेशनशिप के, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है रिलेशनशिप का। आई थिंक ये तीसरा कार्ड है जो काफ़ी अच्छा रहा है। रिलेशनशिप में आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, प्लस आपका ट्रैवल भी आता दिखाई दे रहा है रिलेशनशिप को लेके। इस मीन्स जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं, भारतीय परंपरा है, जब लड़के लड़की की शादी की बात चलती है तो एक दूसरे को देखने की प्रक्रिया होती है, आप उस प्रक्रिया में दूसरे शहर भी जा सकते हैं, ठीक है। और ये अगर इस तरीके से आपका डेवलपमेंट हो रहा है तो निश्चित रूप से आपको वो रिजल्ट पॉजिटिव आता दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा आपके लिए प्रपोजल आया हुआ है। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो भाई आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है हेल्थ के लिए। जरा भी अच्छा कार्ड नहीं, और हेल्थ का कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि कुछ ऐसी नेगेटिव चीज़ें हैं, कुछ नेगेटिव आपने एडिक्शंस हैं कह सकते हैं, कुछ ऐसी बुरी आदतें हैं जिनके कारण आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। या तो आप ड्रिंक ज़्यादा करते हैं, या स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या इनमें से कुछ नहीं करते, आपको खाने का ज़्यादा शौक है तो ओवर ईटिंग हो जाती है आपकी, ठीक है। इनमें से कोई भी बुरी आदत आपको जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर डालने वाली है। या अगर ये भी बात करें कि एक्सेसिव जिमिंग, जिम करना, ये एक आपके लिए बड़ा हार्मफुल हो सकता है। फास्टिंग, बहुत ज़्यादा लॉन्ग समय तक फास्टिंग करना, वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। कुल मिला के कुछ ना कुछ आपकी ऐसे एक नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव आस्पेक्ट है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, उसको आप देखिए, उसको हटाइए, अदरवाइज आने वाले समय में सेहत और ज़्यादा ख़राब हो सकती है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। अगर आप कुछ नया खरीद रहे हैं येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं। बात करते हैं कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो अच्छा कार्ड है। आप चाहे कॉलेज में एडमिशन के लिए कोशिश कर रहे हो, नए काम की शुरुआत कर रहे हो, कहीं पर आपने इंटरव्यू दिया हुआ हो, कोई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपने प्रमोशन का अप्लाई, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपकी लाइफ में इस सप्ताह हो रही है तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, सफलता आपके कदम चूमेगी, आप रिजल्ट जो है आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इनमें से जो कुछ भी होगा उससे आपका मॉनेटरी गेन काफ़ी अच्छा होता दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर आपको नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो निश्चिंत होकर करिए, कोई फियर हो दिमाग में निकाल दीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो अच्छा देने वाला है। उससे जो भी आज इस सप्ताह आपका काम शुरू हो रहा है उससे आपको मॉनेटरी गेन बहुत अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। बात करें कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए थोड़ा सा आपको कुछ नए रिलेशंस बनते दिखाई दे रहे हैं, और हो सकता है कि जैसे आपकी मैरिज प्रपोजल कहीं चल रहा हो, ठीक है, कहीं पर आपका
कोई पार्टनरशिप की बात चल रही हो तो उसमें आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ रही है इस सप्ताह। ऐसा नहीं है कि चलो प्रोकास्टिनेट करें, अभी इसको देखेंगे बाद में देख लेंगे, पहले एक काम कर लें। नहीं, अगर आपने प्रोकास्टिनेट किया, अगर आपने उस काम को टाला, तो वो जो एक अच्छा ऑफर है आपके पास जो आ रहा है वो आपके हाथ से निकल सकता है, है ना। मान लो कि आपकी शादी की बात चल रही है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर शादी नहीं होगी तो बहुत कुछ पहाड़ टूट पड़ेगा, पर यस, ये कार्ड के हिसाब से एक अच्छा ऑफर है, अच्छा ऑप्शन है, तो इसलिए उसको ले लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए, अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अपना थोड़ा सा केयर करने की ज़रूरत है। प्लस आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि आप इस सप्ताह कोशिश करिए किसी न किसी की, किसी ज़रूरतमंद की मेडिसिन से हेल्प करिए, मेडिकली उसको हेल्प करिए। किसी को डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, उसके पास पैसे नहीं है, आप डॉक्टर पे ले जाके उनको डॉक्टर को दिखाइए। किसी को दवाई लेने की ज़रूरत है, दवाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, आप उनको इस तरीके से हेल्प करिए। आपको कहीं पर जाके NGO में रसीदें नहीं कटवानी है, डायरेक्ट जो बेनिफिशरी है, जो ज़रूरतमंद है, आप उसको देखिए, आपकी सेहत अपने आप अच्छी हो जाएगी, बड़ा फ़र्क पड़ने लग जाएगा। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, हरा। आप कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, हरा पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं 8 of Wands, 8 of Swords and Queen of Cups। बात करें सिंह राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर में आपका इस सप्ताह मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है, ट्रैवल करते आप दिखाई दे रहे हैं, काम के सिलसिले में आपको बाहर जाना पड़ सकता है, पर यह भी अच्छी बात है कि जिस भी उद्देश्य से आप बाहर जाएंगे वो उद्देश्य पूरा होगा, यानी कि आपका जो ट्रैवल है वो बेकार नहीं जाएगा, आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। प्लस एक चीज़ ये भी है कि हो सकता है आपका खुद का ट्रांसफ़र भी हो जाए, रीलोकेशन ऑफ हाउस भी हो सकता है, आप उसी शहर में दूसरा घर भी बदल सकते हैं और आप दूसरे शहर में घर भी ले सकते हैं, और ये तभी ज़्यादा संभावना आती है जब आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है, तो आपके साथ ये भी सप्ताह संभावना आ रही है। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको महसूस हो रहा है कि आप बंधे हुए रिलेशनशिप में, आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको कोई प्यार नहीं कर रहा है, ठीक है, या कुछ ऐसी स्थिति हो रही है कि आप वो रिलेशन छोड़ना चाह रहे हैं, पर कुछ ऐसे बंधन बंध गए हैं, आप उनको चाह के भी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि यस, थोड़ी सी समस्या है, पर उतनी विकट नहीं है, उतनी भयंकर नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप उसको इमेजिन कर रहे हैं। थोड़ा सा रियलिटी देखिए, अगर आपके साथ किसी ने बिहेव अच्छा नहीं किया तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, आप उसको देखिए। इस तरीके से जब एनालाइज करेंगे, आपके रिलेशन जो ख़राब हो रहे हैं वो ठीक होने लग जाएंगे। बात करें सिंह राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेकर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर अगर आपके माता जी अगर आपकी केयर कर रही हैं, माता जी जैसे आपको खाने के लिए बोल रही हैं, उसको ध्यान दीजिए। प्लस आपका इस सप्ताह वर्क लाइफ बैलेंस में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आता दिखाई दे रहा है, तो वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन रखते हुए आपको अपनी सेहत को ख्याल रखना होगा, अदरवाइज आपका इस सप्ताह एंग्जाइटी और बॉडी पेन काफ़ी बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो ये था सिंह राशि वालों के लिए, लियो राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो ग्रीन खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द मून, 9 of Pentacles and 2 of Pentacles। बात करें कन्या राशि वालों के लिए करियर की, तो थोड़ा सा आप टेंशन में दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह, कुछ ऐसा कोई फियर आपके मन में, कुछ ऐसा डर है, कुछ चीज़ें आपको भयभीत कर रही हैं कि साहब अगर ऐसा मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा, कुछ चीज़ों को लेके आप बहुत ज़्यादा सहमे से हुए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि समस्या है नहीं, ठीक है, आप उस डर का सामना करें, आपको ऐसा लग रहा है आप रस्सी को सांप समझ रहे हैं, यस थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, पर ऐसा उनसे आपको कोई डैमेज होता नहीं दिख रहा है कार्ड के हिसाब से, तो उस जो भी फियर है उसका फेस करें, है ना। अगर कहीं पर आपको लग रहा है, क्योंकि कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप कुछ रातों से शायद सोए भी नहीं हो, तो ऐसा स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अल्टीमेटली आपके करियर पे भी बात आ जाएगी, आपके रिलेशनशिप भी आपके हेल्थ के ऊपर भी।
जबकि बात अपने में कुछ भी नहीं है, तो कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि यू फेस दैट सिचुएशन, उस डर का सामना करो, उससे बाहर निकलो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि खराब है ही नहीं। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो इट्स अ वेरी गुड कार्ड। रिलेशन आपके बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, नए बनते दिखाई दे रहे हैं, प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस आपको रिलेशंस में मिलता दिखाई दे रहा है, और तभी पॉसिबल है जब आपकी बढ़ोतरी होती है, रिलेशंस आपके बढ़ते हैं। रिलेशन कब बढ़ते हैं, जब हमारी मैरिज बात तय हो जाती है, मैरिज प्रपोजल आता है, हम हाँ बोल देते हैं। अब क्या है कि दो परिवारों का मिलन हो जाता है, हमारे एक साथ कई रिलेशन बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रही हैं, आप जो भी मेरे फीमेल ऑडियंस हैं, तो इस सप्ताह अगर आपकी मदरहुड कंप्लीट होती है, आप डिलीवरी होती है, तो पेनलेस डिलीवरी यानी कि नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बात करें कन्या राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके थोड़ा सा आप भी इस सप्ताह, पिछले राशि में भी शायद ऐसा ऐसा ध्यान आ रहा है मेरे को, वर्क लाइफ बैलेंस में आप जूझते रहेंगे कि मैं काम को ज़्यादा तवज्जो दूँ या घर को ज़्यादा तवज्जो दूँ। आप काम पे ज़्यादा देते हैं तो घर नेगलेक्ट हो रहा है, घर को ज़्यादा देते हैं तो काम नेगलेक्ट हो रहा है। पर यस, इसी में ही आपका स्किल है कि आपको दोनों को बैलेंस बना के चलना है, क्योंकि थोड़ा सा जैसे आपका करियर में आया, करियर में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है, शायद उसका असर आपके हेल्थ के ऊपर आता दिखाई दे रहा है। आप उसको बैलेंस करके चलेंगे तो आपकी हेल्थ भी और करियर भी दोनों अच्छा हो जाएगा। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है रेड। आपको नया खरीद रहे हैं, रेड खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, रेड पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं। टेम्परेंस, द हर्मिट एंड द लवर। इस सप्ताह तो लीब्रा राशि के तीनों ही कार्ड ऐसे हैं कि जिसमें उनको थोड़ा सा पेशेंस की, थोड़ा सा संभल के चलने की ज़रूरत है। शुरुआत अगर हम लोग करें करियर से, तो करियर में आपके लिए वर्क प्लेस पे बहुत ज़्यादा आपको कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन से चलना होगा, लोगों को एडजस्ट करके चलना होगा, उनकी सुननी भी होगी। केवल अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू रखने की ज़रूरत नहीं है, ऑफकोर्स ऐसा नहीं है कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू ना रखें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, पर उसके साथ साथ उनका भी पॉइंट ऑफ व्यू सुने कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जिसे हम लोग कहते हैं ना एम्पैथी, स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स, ये आपको करना होगा, खासकर तब जब आप सीनियर पोजीशन पर हैं। आपको दूसरों को समझ के आगे चलना होगा, और अगर आप जूनियर लेवल पर हैं तो आप समझने की कोशिश करें कि आपके बॉस आपसे क्या चाहते हैं, किस तरीके से कॉर्पोरेट गोल को आप लोग अचीव कर सकते हैं। आपका अगर अपना बिजनेस है, आपका स्टाफ आपसे क्या चाहता है, ये थोड़ा सा इस सप्ताह आपको देखना होगा, एडजस्ट करके चलना होगा, आगे चीज़ें ग्रोथ अच्छी हो जाएंगी। बात करें लीब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप आपके शायद कोई अभी रिसेंटली ख़राब हुए हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि रिलेशन क्यों ख़राब हो गए। कार्ड भी आपको ये सजेस्ट कर रहा है कि आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, मनन करने की ज़रूरत है, आत्ममंथन करने की ज़रूरत है। भाई मैंने ऐसा क्या किया जिसके कारण ये रिलेशन ख़राब हुए, वो मेरे को छोड़ के चली गई या वो उसने मेरे को छोड़ दिया, मेरे को जॉब से हाथ धोना पड़ गया, तो आपके वो रिलेशन क्यों ख़त्म हो गए, है ना, क्यों स्ट्रेस रिलेशन हो गए, उसका जवाब आपके पास है, और उसके लिए कार्ड सजेस्ट कर रहा है। अच्छी बात यह है कि जब आप ये आत्ममंथन करोगे कि भाई मेरी कमी कहाँ रह गई, क्योंकि आपसे बड़ा कोई जज भी नहीं है, क्योंकि आप अपने बारे में जानते हो कि आपने कब क्या किससे कहा, तो आप उसको आत्ममंथन करिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, आपको रास्ता मिलेगा। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको रास्ता मिलेगा और आपके रिलेशन ठीक हो जाएंगे। बात करें तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके भी थोड़ा सा आपको ध्यान देने की, एक्स्ट्रा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ रही है सप्ताह। हर एक तीनों स्थिति में आपको थोड़ा सा सामंजस्य बिठाने की ज़रूरत पड़ रही है। आप कुछ समय से अपनी सेहत को ध्यान नहीं दे रहे हैं, या तो काम के प्रेशर में है, या आपको थोड़े से रिलेशंस मेंटेन करने के चक्कर में आप अपने सेहत पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आगे आने वाले समय में सेहत खराब होती दिखाई दे रही है, हेल्थ खराब होती दिखाई दे रही है। पर अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी से जब से आज मेरा ये सुन रहे हैं, आप अपने को चेंज करिए, शेड्यूल बनाइए कि किस तरीके से आपको अपने पे काम करना है। यस, इस सप्ताह थोड़ा सा डिप्रेशन और थोड़ा सा एंग्जाइटी लेवल आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है, उसको कंट्रोल रखिएगा। तो ये था तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं तो येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं। जस्ट अ मिनट, सबसे पहले बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर की, तो करियर के लिए बहुत ही अच्छा, आई थिंक आज का सबसे अच्छा कार्ड करियर को लेके स्कॉर्पियो राशि का आया, आपका आया, यानी कि बहुत ही अच्छा बड़ा अचीवमेंट होता दिखाई दे रहा है, समथिंग बिग, ऐसा जिसके आप काफ़ी टाइम से परिकल्पना कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, सोच रहे थे मेरे को ऐसी जॉब मिल जाए, आपको उसके लिए आपने तैयारी की थी, वो चाहे जॉब था या इंटरव्यू था या कॉलेज में एडमिशन के लिए आपने तैयार किया था, कहीं पर कोई कंपटीशन आपने दिया था या कोई बड़ा बिजनेस करने की आप प्लानिंग कर रहे थे, उसके लिए काफ़ी टाइम से लगा हुए थे, तो इस सप्ताह कुछ बड़ा अचीवमेंट आपका मिलता दिखाई दे रहा है। अगर आप ऑलरेडी बिजनेस में, तो कोई बड़ा कंसाइनमेंट, कोई बड़ा असाइनमेंट, कोई बड़ा ऑर्डर आपको मिल सकता है, और वैसे भी अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हर कोई जो कॉरपोरेट गिफ्टिंग में और लोगों को जो भी गिफ्ट देते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप अगर स्कॉर्पियंस हैं तो इस सप्ताह आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलेगा निश्चित रूप से, अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। बात करें वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो सॉरी रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के दो एंगल से हम लोग देख सकते हैं। एक, अगर आपका लिटिगेशन चल रहा है, आपका डाइवोर्स का केस चल रहा है, तो ये इस सप्ताह उसका निर्णय आपके फेवर में आता दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूँगा, फेवर का मतलब ये नहीं है कि फेवर का मतलब ये नहीं है कि आप ही जीतेंगे, फेवर का मतलब ये है कि जो जस्टिस है वो आपके साथ होगा, आप इसको प्लेन शब्दों में सोचो, जस्टिस होगा, जस्टिस क्या होगा कि अगर आप जेन्यून हो, आप सही हो, तो आपके फेवर में जाएगा, और अगर आप गिल्टी हो तो आपके फेवर में नहीं जाएगा, आपको जस्टिस मिलेगा, राइट। दूसरा ये भी है कि आपने अब तक कैसे लोगों के साथ व्यवहार किया, अच्छा व्यवहार करें, तो इस सप्ताह उसका भी रिजल्ट आपको मिलता दिखाई देगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, लोग आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगे, और अगर आपने अपने डिपार्टमेंट में अपने जूनियर के साथ, सीनियर के साथ, घर में मॉम डैड के साथ, स्पाउस के साथ, है ना, बच्चों के साथ अगर अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो उसको भी आपको पे बैक होने जा रहा है, आपको भी कहीं ना कहीं से उस तरीके से व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है। सॉरी, अब बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके अच्छा कार्ड है, यानी कि ये जो आपका करियर का काफ़ी अच्छा आया कार्ड, आपका रिलेशनशिप का भी आया, तो आपका जो जस्टिस है इसका मतलब वो आपके फेवर में जो बात हो रही है का आपको जस्टिस मिलेगा, यू विल बी हैप्पी विद दैट जजमेंट, क्योंकि आपका सेहत के ऊपर कोई असर आता नहीं दिखाई दे रहा है, इट मीन्स वो फेवरेबल जस्टिस रहेगा आपके लिए, सेहत भी अच्छी आती दिखाई दे रही है, आप उसको इस सप्ताह एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं, बस थोड़ा सा डाइट पे कंट्रोल करिएगा, क्योंकि डाइट अगर रेगुलर हो जाएगी तो सेहत के ऊपर दिक्कत आ सकती है। ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, आपके लिए लकी कलर है वाइट, आपको नया खरीद रहे हैं वाइट खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, सॉरी इंटरव्यू में जा रहे हैं, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे, सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ और आपके लिए कार्ड निकले हैं किंग ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड, स्ट्रेंथ एंड थ्री ऑफ कप्स। तो बात करें धनु राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा आपको एग्रेसिव होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा चीज़ों के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, हर कोई चाहता है तरक्की करना, आप भी चाहते हो तरक्की करना, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि अभी भी बात हुई कि जब अभी फेस्टिवल सीजन शुरू हो रहा है, आपको भी लग रहा है कि आपको बड़े ऑर्डर्स मिले, बड़े क्लाइंट्स आपके साथ जुड़े, है ना, आपका काम अच्छा चले, नथिंग रॉन्ग इन दैट, पर उसको पाने के लिए आप ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएँ, किसी के पीछे ही पड़ जाएँ कि नहीं तुम मुझे ही ऑर्डर दो, दैट्स नॉट गुड, उसके कारण क्या होगा कि आपके रिलेशन भी ख़राब हो सकते हैं, आपको ऑर्डर मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है, आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा तो उसका असर आपकी सेहत पे आ सकता है, अभी नहीं आ रहा पर आ सकता है, तो इसलिए अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए, और ये रीडिंग भी इसलिए होती है कि हमें समय रहते चीज़ों का पता चल जाता है। बात करें धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए अच्छा कार्ड है, थोड़ा सा आपको
जो एक आपकी इनर स्ट्रेंथ है, आप लोगों के साथ बड़े प्यार के साथ रहते हैं, एडजस्ट करके चलते हैं, इस सप्ताह थोड़ा सा उसकी ओर ज़रूरत आ रही है। डोंट एक्सपेक्ट कि आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार कोई करे, आप अपना जो दी बेस्ट है वो देने लग जाओ। रिलेशंस में जितने अच्छा आप व्यवहार कर सकते हो करो, थोड़ा सा अगर लोगों को सहना पड़ता है तो उनको सह लो, क्योंकि यही आपकी ताकत है। आपको लोग इसलिए पसंद करते हैं कि आप एग्रेसिव नहीं होते हो, आप लोगों से प्यार से बात करते हो। इस सप्ताह उसकी थोड़ी सी और ज़्यादा ज़रूरत है, जिससे अब आपके रिलेशंस और अच्छे हो जाएंगे इस तरीके से व्यवहार बनाए रखने में। बात करें धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो यस, हेल्थ बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। यू विल सेलिब्रेट, यू विल एंजॉय योर हेल्थ, यानी कि कोई ना कोई आप पार्टी इस सप्ताह कर सकते हैं, कोई खुशखबरी मिल सकती है या कोई आपको पार्टी के लिए इन्वाइट कर सकता है, और अच्छी बात यह है कि यू विल एंजॉय दैट पार्टी क्योंकि यू आर हैविंग अ गुड हेल्थ, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसे इनमें से कुछ भी चीज़ होती है कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। ये था धनु राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है ग्रीन, आप कुछ नया खरीद रहे हैं ग्रीन खरीद सकते हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं या इंटरव्यू में जा रहे हैं ग्रीन पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं द एम्प्रेस, 5 of Pentacles and 10 of Wands। तो बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कुछ ना कुछ ऐसे सरकमस्टांसिस बन सकते हैं कि आपको बहुत अच्छा बहुत बड़ा मॉनेटरी गेन हो सकता है, ऐसा मॉनेटरी गेन जो विजिबल होगा। मैं छोटे मोटे इंसेंटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है, आपका कहीं पर पुराना रुका हुआ पैसा हो वो आपको मिल जाए, किसी ने आपका पहला पैसा मार दिया आपको पैसा वापस कर सकता है, इट विल बी अ सब्सटेंशियल अमाउंट। ठीक है, आपने कहीं पर माल सप्लाई किया था बहुत टाइम से, उसने पैसे नहीं दिए थे, आपको पैसा मिल सकता है। कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी सक्सेस और खासकर पैसे के रूप में आपको मिलती दिखाई दे रही है। प्लस अगर बात करें आपकी अगर फीमेल बॉस है तो वो आपको बहुत आउट ऑफ वे जाके भी आपको इस सप्ताह सपोर्ट कर सकती है, जिसके कारण या तो आपका पोस्ट एलिवेट हो जाएगी, आप बढ़ जाएंगे, या कहीं से आपको कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल जाएगा, या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट जो बनाया था वो आपके नाम से जाना जाएगा। इस तरीके से कुछ ना कुछ आपका अच्छा होता दिखाई दे रहा है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप शायद उसमें दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जब हमें कोई चीज़ मिलती है तो कुछ ना कुछ छूटता है। जब आप तरक्की कर रहे हैं, आपको चीज़ें मिल रही हैं, तो हो सकता है कुछ लोग आपसे जेलिसी करने लग जाए, उनको बुरा लग जाए, आपकी तरक्की देख के उनको दिक्कत हो और आपसे वो छूट जाए, आपसे दूर हो जाए, ऐसा बहुत ज़्यादा संभावना आ रही है। ये तभी ज़्यादा संभावना है जब आपके साथ वो अच्छी खबर भी आएगी, है ना, एक के साथ एक फ्री वाली बात है कि अच्छी खबर के साथ ये रिलेशन साथ दिखाई दे रहे हैं। पर ठीक है, समय की बात है, थोड़ा सा समय है, निकल जाएगा, बाकी फिर से आप रिलेशन को मेंटेन कर लीजिएगा। बात करें मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो भाई इस सप्ताह आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत आ रही है, क्योंकि काम आपके ऊपर ज़्यादा आता दिखाई दे रहा है, जिसको हम काम एक्सेसिव वर्क कह सकते हैं, वर्क प्रेशर बोल सकते हैं। और इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ आपको 3D पे काम करना होगा, डेलीगेट डिस्ट्रीब्यूट डिलीट, यानी कि वो काम जो आप डिलीट करना कर सकते हैं, जिसकी इस सप्ताह एटलीस्ट ज़रूरत नहीं है, या आज ज़रूरत नहीं है, कल ज़रूरत नहीं है, उसको आज की डेट से हटा दिया कि साहब ये काम नहीं करना। दूसरा होता है कि डेलीगेट करना, जो आपके अंडर में लोग हैं आप उनको उनकी कैलिबर के हिसाब से, उनकी कैपेसिटी के हिसाब से, उनके स्किल के हिसाब से उनको काम सौंप दिया कि भाई ये आपको करना है, इसका रिजल्ट मेरे को बताइएगा, ये आपको करना है, इसका रिजल्ट मेरे को बताएगा। और तीसरा होता है डिस्ट्रीब्यूट, जितने लोग हैं सबको बांट दिया, इतना 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 ये सब तुम्हें करना है, ओके फाइनल, आप किसी को सौंप दो कि इसकी रिपोर्टिंग इनको करनी है, तो आपका क्या होगा, आपके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा, जिससे कि आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मेरा मेन फोकस आपकी अच्छी सेहत बनाना है। अदरवाइज़ ये सप्ताह आपका बॉडी एक भी आता दिखाई दे रहा है, आपका स्ट्रेस लेवल भी बढ़ता दिखाई दे रहा है, एंग्जाइटी भी लेवल आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है, आपका BP भी बढ़ सकता है, इन सब के लिए आपको ध्यान देना होगा। ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए, और आपके लिए लकी कलर है ब्लू, आप नया खरीद रहे हैं ब्लू खरीद सकते हैं, कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं इंटरव्यू में जा रहे हैं ब्लू पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं
थ्री ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वैंड्स। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है। इसको हम दो तीन एंगल से देखते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ था, आपको स्टूडेंट वीज़ा मिलता दिखाई दे रहा है। आप बाहर जॉब के लिए जा रहे थे, आपने वर्क वीज़ा अप्लाई किया हुआ था, आपको वर्क वीज़ा मिलता दिखाई दे रहा है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप ओवरसीज क्लाइंट को देख रहे थे कि ओवरसीज क्लाइंट मिले, इस सप्ताह ओवरसीज क्लाइंट से आपके कनेक्शन बनते दिखाई दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपके एक तो ग्रोथ आते दिखाई दे रहे हैं। आप जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसके साथ एक एडिशनल काम भी कर सकते हैं। जैसे कई होते हैं ना कि साहब एक आपका जॉब लगा हुआ है, कुछ आपने एक्स्ट्रा दो तीन घंटे की मेहनत करनी शुरू कर दी, एक्स्ट्रा काम करना शुरू कर दिया फॉर एक्स्ट्रा इनकम, तो वो भी आपका इस सप्ताह होता दिखाई दे रहा है। अगर ऐसा होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा जरूर। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो थोड़ा सा सेटबैक मिल सकता है। रिलेशनशिप में आपको कोई ना कोई धोखा दे सकता है, और धोखा नहीं भी दे, आपकी जितनी एक्सपेक्टेशंस होंगी लोगों से, हो सकता है उतना रिस्पॉन्स ना मिले। आप लोगों के साथ बहुत करते हो, मन के साथ करते हो, लगे रहते हो, आगे पीछे कुछ नहीं सोचते हो, पर आपको वैसा रिस्पॉन्स इस सप्ताह नहीं मिलने वाला, जिसके कारण थोड़ा सा आप डिप्रेस भी हो सकते हो। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अपने जो लोगों के साथ थोड़ी बैठकें इस सप्ताह कम कर दीजिए, लोगों के साथ घूमना इस सप्ताह थोड़ा सा कम कर दीजिए, अपने में थोड़ा सा रहिए, अपने साथ समय बिताइए, चीज़ें थोड़ी सी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। बात करें कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए अच्छा कार्ड है, पर एक अच्छी बात ये भी है कि अगर आपकी अभी तक कोई तबीयत खराब चल रही थी, कुछ बीमारी चल रही थी, इस सप्ताह आप उससे बाहर निकल के अच्छे से अपनी लाइफ इंजॉय करेंगे। थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वीकनेस इस सप्ताह आपके ऊपर आती दिखाई दे रही है, तो अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। और आपके लिए लकी कलर है येलो। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, येलो खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, येलो पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला और आज का आखिरी यानी कि पाइसिस मीन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए कार्ड निकले हैं फाइव ऑफ वैंड्स, द सन एंड द हेरोफेंट। बात करें पाइसिस राशि वालों के लिए अगर करियर की, तो थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपका झगड़ा हो सकता है वर्क प्लेस पे, घर पे भी झगड़ा हो सकता है, पर घर पे तभी झगड़ा होगा अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, यानी कि जहाँ पर भी आप काम करते हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, कहीं पर किसी के अंडर में कोई सर्विस कर रहे हैं, आपका अपना कोई इस्टेब्लिशमेंट है, तो आपके साथ कस्टमर फुटफॉल होता है, वहाँ पर कस्टमर आते हैं। वर्क प्लेस पे चाहे आप जॉब कर रहे हो या आपका अपना बिजनेस है, वहाँ पर झगड़ा हो सकता है। आपको क्या करना है, आप कोई दूसरा झगड़ा, मान लो कोई क्लाइंट आया, आपका कोई आपका जूनियर है, वो आपसे झगड़ा कर रहा है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, आप रिस्पॉन्ड ना करें, ठीक है, आप रिएक्शन ना दें, ये आपके हाथ में है। तो क्या होगा कि चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, और झगड़ा होने से कभी किसी का फ़ायदा नहीं है, कम से कम आप अपना सोचो, क्योंकि अगर आप झगड़ा करोगे आपका बीपी बढ़ेगा, आपके ऊपर स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, आपकी काम कर जाओगा, थोड़ा सा उस स्थिति को आप अगर निकाल ले जाओगे तो क्या होगा, आपका दिन भी अच्छा हो जाएगा, आउटपुट पे असर नहीं आएगा। बात करें पाइसिस राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप पे, तो बहुत ही अच्छा कार्ड है। इसका मतलब जो आपका करियर से रिलेटेड था उससे आपका कहीं पर भी पर्सनल रिलेशन के ऊपर असर नहीं आ रहा है, रादर आपके रिलेशंस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्लस आप अगर मैरिज विलेज के हैं, आप प्रपोजल्स आ रहे हैं आपके पास मैरिज के, मैरिज आपके सप्ताह फिक्स हो सकती है। अगर ऐसा होता है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर। और बात करें अगर पाइसिस मीन राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो शायद आपकी हेल्थ में कुछ दिक्कत आ रही है, जिसको आप हो सकता है सफ़र भी कर रहे हो या इग्नोर कर रहे हो। इन ईदर केस अगर आप ऑलरेडी किसी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, यू नीड टू चेंज योर डॉक्टर, और अगर आपने अभी तक किसी डॉक्टर को कंसल्ट नहीं किया, तो यू नीड टू कंसल्ट अ गुड डॉक्टर। ये आपके लिए कार्ड है। विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल डे, आज ही मेरे प्रोग्राम सुनने के बाद आप एक डॉक्टर को कंसल्ट करिए, दिखाइए, अपना चेकअप कराइए, जिससे कि आपके फर्दर तबीयत खराब होने से बच जाएगी। तो ये था पाइसिस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर है वाइट। आप कुछ नया खरीद रहे हैं, वाइट खरीद सकते हैं। कहीं पर इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, इंटरव्यू में जा रहे हैं, वाइट पहन के जाएंगे, सफलता मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। So wish you all the best. Stay healthy, stay happy.
तो साथियों ये था इस सप्ताह 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर का राशिफल। आप मेरे को मेरे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे फॉलो करें, जहाँ पर मेरे अलग अलग पोस्ट चलती रहती है। विश यू ऑल द बेस्ट।